हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 जो हमारा है डिवीजन, वो हम करेंगे। डिवीजन का मतलब क्या होता है कि जब आप टू नंबर्स को डिवाइड करते हो, ठीक है, उसे बोलते हैं डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन आपने लास्ट चैप्टर में की थी बेटा, मल्टीप्लिकेशन से ही रिलेटेड है डिवीजन। इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में आपको एक ही चीज का ध्यान रखना होता है, वो है टेबल्स। अगर आपको टेबल्स अच्छे से आते हैं बेटा, तो ना तो आपको मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम होती है और ना ही डिवीजन में, ठीक है। तो डिवीजन में आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जैसे अब यहाँ पे देखो, हम 110 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं जैसे, तो जो 12 है जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिवाइजर, ओके। और जिसको हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, डिविडेंड, ओके। ये क्या होता है, डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर। और जब हम डिवाइड करते हैं, जैसे हमने 12 को 9 पे, 12 नाइन्स द 108 किया, तो जो 9 है वो क्या है, कोशेंट। क्या होता है वो, कोशेंट। और जो ये बचता है हमारे पास, जैसे 110 में से 108 जब हमने माइनस किया तो हमारा आया 2, तो ये क्या होता है, रिमाइंडर, ठीक है। तो ये टर्म्स होती हैं, 4 टर्म्स जो आपको डिवीजन में आपको हमेशा लर्न रखनी है। जिससे हम डिवाइड करते हैं दैट इज डिवाइजर, जिसको हम डिवाइड करते हैं दैट इज डिविडेंड, और जो हमारा आंसर आता है दैट इज कोशेंट, और जो हमारा ये बचता है नीचे, इसको बोलते हैं हिंदी में हम शेषफल, दैट इज रिमाइंडर, ओके बेटा। तो अब हम इसको करके देखते हैं भी डिवीजन करते कैसे हैं। तो वो हम करते हैं, जैसे अब हमारा जो एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है 84 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो अगर हमने 84 को 4 से डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं, हमने इस तरह से ऐसे 84 को हमने इसके अंदर लिखना है और 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करना है तो क्या होगा, अब जो हमारा 4 है दैट इज डिवाइजर। क्या है, 4 डिवाइजर। और जो हमारा 84 है दैट इज डिविडेंड। क्या है ये, डिविडेंड, ओके बेटा। तो अब इसको ऐसे डिवाइड करते हैं हम, ये क्या है आपका वंस और ये है टेंस। तो पहले हम टेंस वाला नंबर देखते हैं, क्या वो 4 की टेबल पे आता है। 4 वंस द 4, 4 टू द 8, तो हाँ 4 की टेबल पे हमारा टेंस वाला नंबर आ रहा है। तो किस पे आ रहा है, 2 पे, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, 2, और क्या आ रहा है, 4 टू द 8, तो हम इसके नीचे क्या लिख देंगे, 8, ठीक है बेटा। हमें ध्यान रखना होता है, अगर हमारे पास 2 डिजिट है ना, तो पहले हम ना वंस टेंस, जैसे टेंस प्लेस पे जो नंबर है, जो लास्ट नंबर हमारा होता है, उसको हम चेक करते हैं क्या वो नंबर हमारे टेबल पे आ रहा है या नहीं। अगर वो टेबल पे आ रहा है या टेबल पे उससे छोटा नंबर आ रहा है, तो हम उसको जरूर कट करते हैं पहले, ठीक है। तो एक एक नंबर करके चलेंगे तो हमें ईजी रहेगा। तो 8 में से 8 अगर हम माइनस करेंगे, अब हमने माइनस करना है, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या रह जाएगा, और जब हमने टेंथ नंबर हमारा कट हो गया ना, तो हमारा जो नंबर रह गया है ऊपर, उसको हम नीचे ले लेंगे, तो हमारा क्या नंबर रह गया, 4। अब यहाँ पे 04 बन गया, तो 04 का मतलब भी 4 ही होता है, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर 0 किसी नंबर के पहले लगती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर 0 किसी नंबर के बाद में लगती है तो उसकी वैल्यू बन जाती है ना। तो अब 0 उसके पहले है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 4। तो अब 4 देखना हमने कि वो 4 के टेबल पे 4 आ रहा है या नहीं। तो 4 वंस द 4, तो 1 पे जा रहा है ये, तो क्या आ गया, 4। और 4 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस या फिर 0, ठीक है। तो ये अब हमारा पूरा कट गया, इसका मतलब हमारा कोई रिमाइंडर है ही नहीं, रिमाइंडर ही नहीं है हमारा। हमारे पास क्या आया, हमारे पास सीधा कोशेंट आया है, इसको क्या बोलते हैं हम, कोशेंट। तो कोशेंट आया, इसका मतलब ये हमारा क्या है, आंसर। तो आपका जो डिवीजन आया है वो क्या है, डिवीजन हमारी क्या हुई, 21, दैट इज कोशेंट, ठीक है बेटा, समझ आ गया। ये होती है हमारी डिवीजन। अब जैसे अब हम वर्कशीट का फर्स्ट सम करते हैं, डिवाइड एंड चेक योर आंसर। और एक और चीज, हम डिवाइड जब करते हैं ना, तो हम अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं, मैं वो आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। देखिए, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर, इनके बीच में रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, जैसे देखो 20 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आया,
3 6 18 किया, क्योंकि 18 20 से छोटा है ना, तो छोटे वाला नंबर लेते हैं। अगर हम 3 7 द करते, 3 7 द 21 होता, तो 21 तो 20 के नीचे नहीं आ सकता ना, तो क्या आएगा, उससे छोटा आएगा, तो क्या आया 18। तो 20 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या हुआ 2। ठीक है, तो ये आ गया रिमाइंडर, ये है क्वेश्चन, ये है डिवाइजर और ये है डिविडेंड। जैसे ये लिख दिया, क्वेश्चन क्या है 6, रिमाइंडर 2, डिवाइजर 3, डिविडेंड 20। अब इसको हमने चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो वो कैसे चेक करेंगे, हम फाइंड करेंगे डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट, जो हमारा डिवाइजर है और जो हमारा कोशेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या किया, डिवाइजर क्या है 3, कोशेंट क्या है 6, तो 3 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 18, एड रिमाइंडर टू इट। अब जो हमारा आंसर आया है 18, उसमें हम रिमाइंडर को एड कर देंगे, रिमाइंडर हमारा क्या है 2, तो 18 में रिमाइंडर एड किया 18 प्लस 2, तो क्या आया 20। तो अब ये जो 20 है, क्या ये हमारे डिविडेंड के इक्वल है, अगर ये हमारे डिविडेंड के इक्वल है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, अगर ये डिविडेंड के इक्वल नहीं होता तो हमारा आंसर गलत है। ठीक है बेटा, तो फॉर्मूला आपका क्या है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, ये आपका फॉर्मूला होता है जिससे आप अपने आंसर को चेक करते हो। ठीक है, तो करके देखते हैं, पहले वर्कशीट का फर्स्ट सम करके देखते हैं। फर्स्ट सम में क्या है आपका, आपका फर्स्ट सम है 98 को 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो करके देखते हैं हम, देखिए 98 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो पहले हम वंस और टेंस, कौन सा नंबर लेंगे, टेंस, क्योंकि टेंस नंबर क्या है 9, वो इससे बड़ा है, तो हम 8 वंस द 8 करेंगे, क्योंकि अगर 8 टू द करते हैं तो 16 आता है, तो 9 के नीचे 16 नहीं आएगा, तो क्या करेंगे हम 8 वंस द 8, और वो 9 से छोटा है, तो इसीलिए हम नीचे लिख सकते हैं इसके, तो 9 में से 8 हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, ऊपर से हमने 8 हम नीचे ले लेंगे, है ना, जो नंबर रह जाता है, जो वंस प्लेस का नंबर होता है उसको हम नीचे ले लेते हैं, है ना, तो अब क्या आ गया 18। तो अब 8 के टेबल पे 18 कट होता है नहीं, पर 8 के टेबल पे 18 से कम कुछ आता है, 8 वंस द 8, 8 टू द 16, है ना, 8 थ्री द 24, अब 8 थ्री द 24 तो 18 से बड़ा है, पर 8 टू द 16 जो है वो 18 से छोटा है, तो वो आ सकता है, तो हम क्या लिखेंगे 8 टू द 16। ठीक है, तो अब 8 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, और 1 में से 1 करेंगे तो क्या आएगा 0, इसका मतलब आपका रिमाइंडर आ गया, वो क्या आ गया 2। अब हम इसको रिमाइंडर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ कोई नंबर नहीं है जिसको हम उतार के यहाँ 2 के साथ लिख सकते हैं, तो इसलिए ये हमारा क्या रह गया है, ये हमारा रह गया रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 2, ये हमारा क्या हो गया है कोशेंट, 12 हमारा क्या है कोशेंट, और ये हमारा जो 8 है वो क्या है डिवाइजर, क्या है ये डिवाइजर, और 98 हमारा क्या होगा डिविडेंड, क्या होगा डिविडेंड। ठीक है बेटा, अब हमने इसके आंसर को चेक करना है, तो चेक कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट, ठीक है, इज इक्वल टू नहीं, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, वो डिविडेंड के इक्वल हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब डिवाइजर हमारा क्या है, डिवाइजर हमारा है 8, हम यहां लिखेंगे डिवाइजर की जगह पे 8, कोशेंट हमारा क्या है, कोशेंट हमारा है 12, हम यहां लिखेंगे 12, रिमाइंडर हमारा क्या है, रिमाइंडर हमारा है 2, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, डिविडेंड हमारा क्या है 98 के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं पहले, या प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 को 8 के टेबल पे करोगे तो आपका क्या आएगा 8 टू द 16 कैरी ओवर 1, 8 वन द 8, 8 और 1 9, तो क्या आएगा 96 प्लस में क्या आ जाएगा 2, किसके इक्वल आना चाहिए 98 के, अब देखो 96 प्लस 2 क्या होता है 98 ही होता है, तो 98 इज इक्वल टू 98, इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है, इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो क्या है राइट है, करेक्ट है, आंसर इज राइट। तो आप एंड में क्या लिखोगे, आंसर इज राइट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन आवर आंसर इज राइट। ठीक है बेटा, क्लियर,
अब आपको समझ आ गया कि कैसे हम डिवाइड करते हैं और कैसे हम इसको अपने आंसर को चेक करते हैं। ठीक है बेटा, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना आंसर चेक करने के लिए, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बेटा, जैसे अब हमने 98 को 8 से डिवाइड करके और फिर अपने आंसर को भी चेक किया है, वैसे ही अब आपने ये बी पार्ट सी डी ई और एफ सेम ऐसे ही करने हैं। तो ये सब आपने करने हैं और मुझे अपने आंसर्स को अपने सम्स को करके मुझे भेजना जरूर है बेटा, ताकि मैं चेक कर सकूं। और अपनी नोटबुक्स भी बेटा मुझे जल्दी जल्दी भेजा करो ताकि मैं उसको चेक कर दूं। ठीक है बेटा, अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, इसमें क्या करना है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना अभी, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, इस फॉर्मूले की हेल्प से ही हमने इसको सॉल्व करना है। हमें इसमें डिवाइजर दे रखा है, क्वोशेंट दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है, हमें क्या निकालना है, डिविडेंड। ठीक है, अब जैसे डिवाइजर आपका क्या 8, क्वेश्चन क्या 6, रिमाइंडर क्या 4, तो इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो देखो, जैसे मैंने यहां लिखा डिवाइजर की जगह पे क्या आएगा 8, ओके, क्वेश्चन की जगह पे क्या आएगा 6, और रिमाइंडर की जगह पे क्या आएगा 4। तो अब इसको सॉल्व कर दो, हमारा डिविडेंड आ जाएगा 8 6 48, 48 + 4 कितना होगा, 48 + 4 हमारा डिविडेंड कितना है, डिविडेंड तो हमें निकालना है ना, डिविडेंड हमें निकालना है ना, तो वही हमारा निकल के आएगा। अगर 48 + 4 करेंगे तो क्या आएगा 52, तो हमारा डिविडेंड क्या आ गया 52, दैट इज आवर आंसर, है ना, इजी है ना बेटा ये। ऐसे ही अब आपको सेकंड क्वेश्चन करना है इसका, 3 × 11 + 2, तो क्या करोगे आप, 3 × 11 + 2, तो आपने फिर से डिविडेंड निकालना है, तो क्या करोगे, 3 × 11 क्या आएगा 33 + 2, क्या आएगा 33 + 2 35, तो ये आपका क्या आ गया, डिविडेंड। आपने आंसर भी निकाल दिया, क्या आएगा आंसर, डिविडेंड। बस आपको क्या आना चाहिए, आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। फॉर्मूला क्या आपका, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। अब आपने ऐसे इसी फॉर्मूले में पुट करते जाना है और आंसर निकालते जाने हैं। अब बस ये वाला थर्ड पार्ट भी आपका ऐसे ही होगा मेन। अब आपका डी पार्ट देखो, डी पार्ट में क्या है, आपको डिवाइजर दे रखा है, क्वोशेंट दे रखा है, रिमाइंडर नहीं दे रखा और डिविडेंड दे रखा है। तो अब हमें निकालना है, कैसे करेंगे देखो, अब इसमें बहुत इजी है ये भी। अब हमारे पास डिवाइजर क्या है 8, डिवाइजर है 8 और क्वोशेंट है 7, रिमाइंडर हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है, डिविडेंड है जो क्या है 56। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, 8 7 द क्या होता है 56, प्लस यहां हमारे पास नहीं है रिमाइंडर और हमारा डिविडेंड भी क्या आ रहा है 56, तो 56 में हम क्या ऐड करें कि 56 ही आ जाए, बताओ। मैंने ये लास्ट एक्सरसाइज में बताया था, हम ऐसा कोई नंबर ऐड करते हैं किसी नंबर के साथ कि वापसी वही नंबर ही आ जाता है, वो क्या होता है, वो होता है 0। क्या होता है 0, इसका मतलब अगर हम 56 में 0 ऐड करेंगे तो 56 ही आएगा, इसका मतलब हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0। ठीक है बेटा, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का डी पार्ट मैंने आपको बता दिया है कि इसमें रिमाइंडर क्या होगा आपका 0। ऐसे ई पार्ट देखो, ई में भी आपको डिवाइजर दे रखा है, क्वोशेंट दे रखा है, रिमाइंडर नहीं दे रखा और 27 आपको डिविडेंड दे रखा है। अब इसमें ये थोड़ा अलग है चीज, इसमें क्या है देखो बेटा, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, डिवाइजर दे रखा है 6, क्वोशेंट दे रखा है 4, रिमाइंडर आपको नहीं दे रखा है और डिविडेंड आपको 27 दे रखा है। तो आप क्या करोगे, आप बहुत इजी चीज करोगे, आप क्या करोगे 6 4 द 24, ओके, प्लस रिमाइंडर नहीं है 27, तो आप अगर डिविडेंड में से इसको माइनस कर देते हो तो आपका रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, अगर आप डिविडेंड में से इसको माइनस कर देते हो तो आपका डिविडेंड आ जाएगा, क्योंकि उसको ऐड करके तो डिविडेंड आता है ना। तो 27 में से 24 को माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा 3, है ना, तो इसका मतलब आपका रिमाइंडर क्या आएगा 3, क्या है आपका रिमाइंडर 3। ठीक है, ये एक फॉर्मूला भी होता है बेटा, अगर हमारे पास ऐसे होता है ना, जैसे मान लो मैंने अब लिखा है यहाँ पे 24 आया था ना आपका, और यहाँ पे अभी आपके पास रिमाइंडर नहीं है और इधर आपके पास 27 है, तो जब हमें वो चीज निकालनी होती है तो उसको हम यहीं पर रखते हैं, तो जो डिविडेंड है
वो यहाँ पे, और जो इधर इसके साथ होता है ना, ये जिस साइन में होता है, ये अगर प्लस में है तो उधर जाके इक्वल के उस साइड जाके ये हो जाता है माइनस का। तो जो हमने निकालना है रिमाइंडर, वो 27 माइनस 24 क्या आ गया, 3। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 3। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। या तो फिर समझ आ गया आपको, ऐसे हमने निकालने हैं, जो हमारे पास फॉर्मूले में चीज नहीं है वो हमने इस तरह से निकालनी है। अगर हमें डिविडेंड निकालना है तो कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया, अगर रिमाइंडर निकालना है तो कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका जो पार्ट था जिसमें आपको रिमाइंडर निकालना था, दैट इज ई पार्ट, ये ई पार्ट है आपका, ये डी पार्ट मैंने आपको बता दिया है, और ये जो आपका ए पार्ट है वो आपका हो गया, बी पार्ट हो गया, सी आपने करना था, बाकी सारे हो गए बेटा। आपको सिर्फ मेन क्या ट्राई करना है, ये ट्राई करने हैं आपको, और ये आपकी वर्कशीट 1 कंप्लीट है। डिवीजन चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 की वर्कशीट 1 आज आपकी हो गई है। आपको ये अपनी नोटबुक में करनी है और बहुत अच्छी हैंड राइटिंग के साथ करनी है, ठीक है। और फिर मुझे करके आप जल्दी जल्दी नोटबुक भी बेटा भेजो, ठीक है, ताकि मैं साथ साथ आपकी चेक भी कर सकूं, ठीक है बेटा। ज्यादा वर्क हो जाएगा तो आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा और मेरे लिए भी, तो इसलिए आप जल्दी जल्दी बेटा नोटबुक मुझे भेजो, और नोटबुक के बेस पे ही आपके, आपको पता नहीं है, नोटबुक के बेस पे ही आपके मार्क्स लगने हैं जो आपकी असेसमेंट लगती है। तो आप जल्दी से नोटबुक कंप्लीट करके मुझे भेजो बेटा, ठीक है बेटा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।